हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक चिकन। यहाँ मैं 250 ग्राम चिकन ली हूँ, उसे अब मैरिनेट करूँगी। चिकन को मैं धो के साफ कर दी और अब इसमें मैं सरसों का तेल कुछ डालूँगी। सरसों का तेल से हमारा चिकन का टेस्ट अच्छा रहेगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक डाल के उसे मैरिनेट करके रखूँगी आधा घंटा। उसके बाद हम पालक चिकन बनाएंगे। इसे मैं मैरिनेट कर रही हूँ। अब इसे ढककर आधा घंटा रख देंगे। यहाँ मैंने पालक को धो के साफ करके कट करके रख दी। अब इसे एक ब्लेंडर जार में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। मैं इसे थोड़ी सी ही लूँगी। अब इसमें मैं चार कलियाँ लहसुन, चार से पाँच कलियाँ लहसुन की कलियाँ डालूँगी और उसे एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊँगी। उसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं पालक का स्मूथ पेस्ट बना के रख दिया। अब कुछ देर बाद मैं चिकन को बनाऊंगी। पालक चिकन बनेगा। अब मैंने एक कढ़ाई ली हूँ, उसे हीट करने के लिए देती हूँ। ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं ऑनियन डाल रही हूँ। ऑनियन को साफ होने तक फ्राई करना है हमें। ऑनियन हमारा साफ हो गया है। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, हाफ स्पून। ज़्यादा नहीं डालना है हमें, इसे ऑनियन के साथ मिलाना है। अब इसमें मैं हाफ स्पून नमक डालूँगी, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर और थोड़ी सी चिल्ली पाउडर मिलाऊँगी। अब मैं थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर ऐड करके इसमें सबको मिलाऊँगी। अब थोड़ी सी टमाटर डालूँगी, एक टमाटर ली थी मैं, चॉप करके उसे मसाले के साथ मिलाऊँगी। यहाँ मैं थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मसाला ना जले और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम कुकिंग की तरफ से चलेंगे। हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब मसाला में हम मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। उसके बाद हमें मैरिनेटेड चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिलाना है।
लेड कवर करके 11 मिनट तक पकाऊंगी चिकन को। बीच बीच में उसे हमें चलाना है, नहीं तो वो जल जाएगा नीचे से। यहाँ हमारा चिकन आधा पक चुका है। अब मैं इसमें पालक डालूँगी, पालक का जो पेस्ट बनाई थी उसे डालूँगी और फिर से उसे कुक करूँगी चिकन को। पालक को हमें चिकन के साथ अच्छे से मिलाना है। लेड कवर करके फिर से 10 मिनट तक पकाना है हमें चिकन को। बीच में हमें फिर से चलाना है इसे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब मैं आधा ग्लास पानी ऐड करूंगी इसमें, ये बहुत सूखा हो गया है। पानी ऐड करने के बाद फिर से उसे 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और हमारा पालक चिकन बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ना, इसमें इसका कलर कितना अच्छा आया है, ग्रीन ग्रीन सा चिकन, मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे लगता है आपको भी ये रेसिपी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।